वेलकम बैक टू माय चैनल। हम शिल्पी शिल्पी सेना बिहारी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज के लिए हमें चार आलू को इस तरह से लंबा लंबा काट लिए हैं छीलकर। इसको हम 15 मिनट से पानी में डुबो दिए हैं। अरे हम काला नमक लिए हैं थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम। अरे हम चाट मसाला लिए हैं, आधा चम्मच से भी कम लिए हैं। थोड़ा सा हम उजला नमक लिए हैं, ये आधा चम्मच से भी कम है। और थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, ये भी आधा चम्मच से कम है। अब हम क्या करेंगे, ये आलू जो है इसको हम एक पानी से भी और वाश कर लेते हैं। इस तरह से इस पानी में से निकाल देते हैं और इस पानी में अब हम डुबो दे रहे हैं। और इस तरह से इसका पानी से हम इसको बाहर कर दे रहे हैं। अब इस तरह से इसको पानी से बाहर कर दिए। देखिए पानी सफ़ेद हो गया है, इसका स्टार्च जो है वो निकल गया है। इस तरह से हम इसको धो दिए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए इसी तरह से आलू को थोड़ा सुखा देते हैं हवा में। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए अब आलू में से पानी पूरा सूख गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो हम पहले चूल्हा को ऑन करते हैं। इस तरह से चूल्हा को ऑन कर दिए। इस पर हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। इस तरह से और तेल जब अब गर्म हो जाएगा तब हम आलू को इसमें फ्राई करेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये आलू को हम फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करना है। इस तरह से इसको चला दीजिए। फिर इस तरह से चलाते रहिए इसको। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, ज्यादा हाई रखिएगा फ्लेम। फ्लेम ज्यादा हाई रखने पर जल जाएगा। देखिए इस तरह से फिर हम इसको चला दे रहे हैं। उलट पलट कर चलाना है जिससे कि अच्छा तरह से खस्ता हो जाए। फिर इस तरह से इसको हम चला दे रहे हैं। देखिए अभी पूरा लाल नहीं हुआ है, पूरा लाल हो जाएगा तब हम इसको तेल में से बाहर निकालेंगे। देखिए अब थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चला है, अभी थोड़ा देर और होगा। देखिए फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार है। तो अब हम चूल्हा के फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं। इस तरह से चूल्हा बंद कर दिए और इसको अब हम तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से बाहर निकाल लेना है। देखिए अब सारे आलू को हम बाहर निकाल लिए हैं। अब इसमें हम ये सब मसाला रखे हुए हैं इसको हम मिला दे रहे हैं। इस तरह से इसमें डाल दिए सब और इसको हम चम्मच अच्छा तरह से मिला देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल की घंटी दबाएं जिससे कि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।